नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत में कुल मिलाकर के इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, उनमें से कौन से राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हम बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में कौन कौन ज़िले हैं, ज़िलों का नाम भी दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि सब कुछ समझ में आए। सबसे पहला राज्य आता है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में दोस्तों देखिए, ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया फ़िलहाल, और पहले यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं और आपको राज्यों का बाद में दिखाएंगे, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो अंडमान और निकोबार यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, यहाँ पर कुल मिला के 3 ज़िले हैं। चंडीगढ़ में एक ज़िला है, दादर नगर हवेली में कुल एक ज़िला है, दमन द्वीप में कुल 2 ज़िला है, लक्षद्वीप के 2 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में है ज़िलों की संख्या, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, उसके बाद पांडुचेरी में तीसरे नंबर पर है, 4 ज़िले हैं। अंडमान निकोबार में ये 3 ज़िले हैं। ये हैं भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें एक है लद्दाख। लद्दाख में कोई भी ज़िला नहीं है, यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो लेह लद्दाख जो है वो भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ज़िला नहीं है, कोई भी विधानसभा भी नहीं वहाँ पर। वीडियो को पूरा देखना। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें किस राज्य में कितने ज़िले हैं। अगला वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगी कि कौन से ज़िले में कौन से राज्य में कितने ज़िले हैं और उनका नाम क्या क्या है, वो भी आप देख लोगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कुल मिलाकर के 13 है। इसके पहले आपको बता दें, सबसे कम ज़िले गोवा में हैं, गोवा में मात्र 2 ज़िला है, और सबसे ज़्यादा ज़िलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, बाकी और सब जो है नॉर्मल हैं, बीच में हैं। तो चलिए देखते हैं, आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम ज़िले हैं, या फिर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक ज़िले हैं। ये बहुत बड़ा जीके है आपका। अरुणाचल प्रदेश में संख्या 20 है, आसाम में कुल 33 है, बिहार में कुल 38 है, छत्तीसगढ़ में 27, गोवा में मात्र 2, सबसे कम गुजरात के कुल 33 ज़िले 33, वहीं हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 21 है। नंबर 9 देखना, इसी क्रम में ध्यान से देखना। हिमाचल प्रदेश में कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या 12 है यानी कि 12, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है, यहाँ पर कुल ज़िलों की संख्या 20 है, झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ एक राज्य है, यहाँ पर ज़िलों की संख्या 24 है, कर्नाटक में वहीं ज़िलों की संख्या 30 है, केरल में कुल मात्र 14 ज़िले हैं, मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 52 है, महाराष्ट्र में कुल ज़िलों की संख्या 36 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विधानसभा लोकसभा की आप सीटें हैं, और लोकसभा की अगर सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर हैं, विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा सांसद जो चुन करके जाते हैं, दिल्ली तक पहुँचते हैं, 80 सांसद, वो केवल उत्तर प्रदेश से होते हैं, और महाराष्ट्र से हमारे समझ से 48 होते हैं, 48 होते हैं। आगे चलें तो मणिपुर में अगर ज़िलों की संख्या देखें तो मणिपुर में कुल 9 ज़िले हैं और मेघालय में कुल 11 ज़िले हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, जो बचे हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे। अगला मिजोरम, देखिए यम से या माँ से सबसे ज़्यादा राज्यों की संख्या है, 5-6 राज्य हैं, बाकी अगर आप क्रम से याद करेंगे तो आपको सारे राज्यों का नाम याद हो जाएगा। ए से कितने हैं राज्य, 3 हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बी से याद करेंगे मात्र 1 है बिहार, सी से करेंगे तो केवल चंडीगढ़, और इस तरह से आप एक एक याद करते जाएंगे तो सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम में कुल 8 ज़िले हैं, नागालैंड में कुल ज़िलों की संख्या 11 है, ओडिशा के कुल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिक्किम में कुल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वगैरह यही सब होते हैं, बाकी और कुछ नाम नहीं अलग से। अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 32 है, वहीं त्रिपुरा के कुल 8 ज़िले हैं, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 75 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 75 ज़िले हैं। अगर आगे बात करें यहीं पर हम नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है इसको ध्यान से देखना, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश का अलग हुआ भाग है, उत्तराखंड में कुल मिलाकर के 13 ज़िले हैं। अब जरा आप सोचिए, तेलंगाना में मात्र 30 ज़िले हैं, अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ना अलग हुआ होता तो यहाँ पर आप 13 जोड़ करके देख लीजिए, 8 और ये हो जाएगा 8, 88 ज़िले सबसे ज़्यादा ज़िले उत्तर प्रदेश में होते, जो कि उत्तराखंड 13 ज़िलों के साथ अलग हो चुका है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आप कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ओडिशा में ज़िले हैं जो उनके नाम क्या हैं, बिहार में कौन कौन से ज़िले हैं उनके सभी नाम, तो कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। हम आपको जल्दी ही उसका वीडियो ज़रूर देंगे कि तमिलनाडु में कुल ज़िलों की संख्या जो है 32, वो कौन कौन ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िले कौन कौन से हैं, सबका नाम दिखाएंगे, वहाँ की जनसंख्या और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो ज़रूर देखना, इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और दोस्तों में शेयर करना। ये सामान्य जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।